एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि टी शर्ट पे कैसे हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक टी शर्ट ली है और उसके अंदर मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया। न्यूज़पेपर लगाने से क्या होता है, जो आपका कलर है वो एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक टी शर्ट ली है, उसके अंदर न्यूज़पेपर लगा के मैंने उसको अच्छे से प्लेन कर दिया। और अब मुझे एक सर्कल शेप के लिए मैंने यहाँ एक प्लास्टिक की डलिया ली है और उसको पेंसिल से अच्छे से ऐसे ड्रॉ कर लिया, ताकि जो हमारा सर्कल का शेप है वो अच्छे से आ जाए। आप लोग चाहें तो प्लास्टिक की प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, हल्का सा डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद मैंने यहाँ पर एक एक कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ कर रखा है, तो जो कार्टून कैरेक्टर है उसको भी मैं अच्छे से ऐसे डार्क कर लूँगी। आप लोग चाहो तो इसको ट्रेस भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमने इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर मैंने कुछ स्टार बनाए हैं, तो स्टार बनाने के लिए मैंने एक स्टार को शीट पे कट कर लिया है और उसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। ये स्टार दो तीन जगह मुझे बनाना है और एक जैसे शेप के बनाना है, इसलिए मैंने इसको शीट पे ऐसे कट कर लिया। अब हमारी जो ड्राइंग है वो लगभग कंप्लीट हो गई है ना। अब हम लोग इसके अंदर कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैंने क्या करा है, एक्रेलिक कलर लिए हैं और फोम का टुकड़ा लिया है। इसको हम फोम के टुकड़े से करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अब मैंने यहाँ शीट ली है और शीट के ऊपर मैंने वही डलिया से ऐसा हाफ सेमी सर्कल बना लिया है और उसको क्या करा है, कट कर लिया है। ये जो शीट आप यूज़ करेंगे वो हल्की सी मोटी होना चाहिए। ठीक है, अब इस शीट को मैंने सर्कल के पास में ऐसे रख दिया है। अब देखिए मैंने क्या करा है, रेड कलर और येलो कलर दोनों को हल्के हल्के से ऐसे मिक्स कर दिया है। फोम से कलर करने से बहुत अच्छा शेडिंग इफेक्ट आता है ना। देखिए रेड और हल्का सा येलो कलर। अब मैंने शीट को ऐसे पकड़ लिया है और हम लोग इसके बैकग्राउंड में हल्के हल्के से ऐसे कलर करेंगे। ये जो शीट हमने रखी है इससे क्या होगा, जो हमारा कलर है वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो हमारी पेंसिल के ऊपर भी अगर कलर आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दीजिए, वो बाद में हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब फिर मैंने कलर लिया और इस शीट को उठाकर इस तरफ रख लिया। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से आपको पूरे बैकग्राउंड में फोम की सहायता से कलर करना है। ये जो हमारी शीट है इसको आप बार बार घुमाते जाइए और इसमें कलर करते जाइए। मैंने यहाँ पर रेड कलर और येलो कलर लिया है और फोम का टुकड़ा लिया है और उसकी सहायता से मैं इसमें कलर कर रही हूँ। देखिए कितने आसानी से और कितने जल्दी ये हमारा कलर हो गया। देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आया इसका, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक कलर लेंगे और ब्लैक कलर से आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक कलर लिया है और ये राउंड ब्रश लिया है। राउंड ब्रश से मैंने क्या करा है, आउटलाइन करना चालू करा है। देखिए ये बहुत आसान तरीका है और बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। ठीक है, तो हम लोग चारों तरफ इसमें आउटलाइन कर लेंगे। आउटलाइन करने के बाद हम लोगों को जो अंदर की तरफ हमने जो कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ करा है उसके ऊपर हम लोगों को ब्लैक कलर से आउटलाइन करने हैं। देखिए कितने जल्दी और कितना सुंदर इफेक्ट आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर आउटलाइन कर रहे हैं। देखिए
कहीं कहीं पर इसके ऊपर कलर आ गया है, कोई बात नहीं, कलर आने दीजिए, क्योंकि हमको यहाँ पर ब्लैक कलर ही करना है। देखिए ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई, अब हम इसके अंदर ब्लैक कलर करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक और टी शर्ट आप लोगों के लिए तैयार रखी है, वो देखिए यहाँ पर मैंने करा है वही सेम प्रोसेस। और यहाँ पर मैं जो आउटलाइन है वो फ्लैट ब्रश से कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश में कलर लेने के बाद हम लोग यहाँ पर आउटलाइन कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है आउटलाइन थोड़ी चौड़ी आती है और एक जैसी आती है, तो इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अब आप लोग चारों तरफ इसमें आउटलाइन कर लीजिए और अंदर का जो आपका कार्टून कैरेक्टर जो बनाया है उसको भी ब्लैक कलर से फिल कर लीजिए। आसपास आप लोग कोई भी लाइट कलर का बैकग्राउंड बना सकते हैं और अंदर आप लोग ब्लैक कलर से फिल कर दीजिए, तो इसका इफेक्ट बहुत सुंदर आता है। ऐसे ही आप लोगों को पूरे इसमें ब्लैक कलर करना है। अगर एक बार में ब्लैक कलर अच्छे से नहीं आता है तो आप लोग सूखने के बाद फिर से इसमें ब्लैक कलर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये ब्लैक कलर करने के बाद हमारा जो इफेक्ट है वो कितना सुंदर आया है। देखिए ये यहाँ पर मैंने कंप्लीट आप लोगों के लिए करके रखा है, देखिए कितना सुंदर हमारी टी शर्ट पर कलर हो गया है। ओके, आप लोग बनाइए और एंजॉय करिए।